मिहिर सामने स्टेज की ओर देख रहा होता है जहां चार लोगों के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। तभी मिहिर की नजर उस लड़की और मिडिल एज्ड आदमी पर पड़ी। वो लोग मिहिर के लेफ्ट साइड पर खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग यहां के कोर मेंबर्स हों। वो धीरे धीरे एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। जब वेटर ने मिहिर को उस लड़की को घूरते हुए पाया तो वो मुस्कुराया और मिहिर से बोला, सर अब आप मुझसे ये मत कहना कि वो लड़की आपको भी पसंद है। ओ गॉड, वो लड़की एक फेमस मेंटिस है। मिहिर ने वेटर से पूछा, मेंटिस? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वो फेमस और रईस लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती है और उनसे पैसे लूटती है, और जब उसका उन लोगों से मन भर जाता है तो वो उन्हें छोड़ देती है। वेटर की बात सुनकर मिहिर का शक यकीन में बदल गया। वेटर ने अपने कंधों को झुकाया और बोला, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती होगी। उसके इस खूबसूरत चेहरे को देखकर बड़े से बड़े लोग भी उसको अपना बनाना चाहते हैं, और ये लड़की उनके सामने खुशी खुशी खुद को सौंप देती है। अगर उन लोगों को इस लड़की के बारे में पता भी होगा तब भी वो लोग इसे पाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मिहिर ने जितना इस लड़की के बारे में सोचा है ये उससे भी कई गुना ज्यादा शातिर लोमड़ी है। उस लड़की से जुड़ी बातें बहुत ही मुश्किल है। मिहिर ने एक पल के लिए सोचा और एक नॉर्मल लड़के होने की एक्टिंग की। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ भी वैसा ही करेगी जैसा उसने दूसरों के साथ किया है। वो लड़की सीधी बैठी स्टेज की तरफ ही देख रही है। मिहिर को लगा जैसे उसके बारे में कुछ तो ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसे यह भी लग रहा है कि वो सच के बहुत करीब है। ये एक ऐसी इच्छा है जो किसी भी इंसान के दिमाग को निगल सकता है। मिहिर ने अपनी नजर घुमाकर जब बाकी के लोगों की तरफ देखा तो उन लोगों के बीच उसे एक जाना माना चेहरा नजर आया। ये कोई और नहीं बल्कि आलिया है, जिसे देखते ही मिहिर एक पल के लिए दंग रह गया। ये आलिया यहां क्या कर रही है? मिहिर की नजर उसी पर टिकी हुई है। उसने देखा कि आलिया घमंड से स्टेज की तरफ देख रही है। तभी आलिया भी सीधा स्टेज पर गई और एक कुर्सी पर बैठ गई। वो लड़की हमारे बॉस की दोस्त है, ये कह सकते हैं कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वेटर ने मिहिर की नजर को नोटिस करते हुए जवाब दिया, आज रात जिसने उस प्राइवेट रूम को बुक किया है वो यही है। आलिया कपूर और इस बार की लेडी ओनर वास्तव में करीबी दोस्त हैं। मिहिर पूरी तरह से अवाक हो जाता है। कुछ देर बाद अचानक उसने पूछा, क्या आपके पास कोई मास्क है जो मेरे चेहरे को ढक सके? वेटर ने तुरंत एक भेड़िया सिर का मुखौटा निकाला और मिहिर की ओर बढ़ा दिया। मिहिर ने देखा कि मास्क बहुत ही अच्छा है। वेटर ने बताया, हर महीने हम कुछ गेस्ट को ये मास्क भेजते हैं जिनको अपनी पहचान छिपानी होती है, और आज ये आपके काम आ रहा है। मिहिर जितना इस बार के बारे में जान रहा है उसकी दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही है। इस मास्क को पहनने के बाद मिहिर को आलिया के सामने पहचाने जाने का डर नहीं है। तभी तीसरा मेंबर एक भूरी आंख वाला आदमी है। वो आदमी काफी यंग नजर आ रहा है। उसके आसपास काफी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, लेकिन एक मासूम सी लड़की को देखने से लग रहा है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है। स्टेज पर खड़ी लड़की ने जोर से कहा, जो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है प्लीज सामने की चेयर में बैठ जाएं। वेटर ने जल्दी से मिहिर को देखकर कहा, जल्दी से जाइए सर, हम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। मिहिर ने अपने कपड़े सही किए और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। आखिरी ग्रुप में वो अकेला बैठा हुआ है। लोग आपस में बातें करने लगे, देखो उसने कितने ऑर्डिनरी कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो अमीर है? किसी भी बुक को उसके कवर से देखकर जज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मुंबई में ऐसे कई लोग हैं जो आम लोगों की तरह रहना पसंद करते हैं, और जब वो शो करते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। शायद वो अपने शिकार के लिए चारा बनकर आया है।
उस एक पल में ही उसके पीछे मौजूद बहुत सी लड़कियों ने उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी, मैं आपका नाम नहीं जानती, तो मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान एक फूल की तरह है। जैसे ही उसने मिहिर से कहा, पूरे बार का माहौल गर्म हो गया। ये सब समझ गए कि वो लड़की मिहिर को छेड़ रही है। मिहिर ने अपनी आवाज बदलकर कहा, बस मुझे जंगली भेड़िया बुलाओ। उसका लाजवाब जवाब सुनकर सिवाय आलिया के सब हंसने लगे। आलिया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर एक नजर उसे देखा और फिर वापस सामने की तरफ देखने लगी। जंगली भेड़िया, क्या आप आज रात अपना खोया हुआ कोई नक्शा ढूंढने आए हैं? स्टेज पर खड़ी लड़की ने मजाक किया। एक पल में ही घबराहट का माहौल अब पूरी तरह से खत्म हो गया और सभी जोर जोर से हंसने लगे। वो लड़की एक मिनट रुककर आगे बोली, ऑलराइट, लेट्स गेट टू द पॉइंट। आज रात के प्राइवेट रूम की नीलामी शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 2 लाख है। इसलिए हम फ्रीली बिडिंग की कीमत बढ़ा सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज आई शाउट 3 times और कोई भी उस कीमत से आगे नहीं बढ़ता, तो वो बिडिंग फाइनल हो जाएगी। अब अगर किसी को इस चीज से दिक्कत नहीं है तो चलो शुरू करते हैं। मिडिल एज्ड आदमी ने अपनी पलकें उठाई और उसके बगल में बैठी लड़की ने उसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा डाल दिया। फिर उस लड़की ने अचानक अपना हाथ उठाया और कहा, मैं 3 लाख पे करूंगी। आलिया कपूर ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, 3,50,000। और फिर अचानक सभी की निगाहें मिहिर और उस भूरी आंख वाले आदमी पर टिक गई। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो इस रूम की कीमत पर डे 30,000 है। वेटर मिहिर के पीछे आकर बैठ गया। अगर हम बाकी चीजों को इसमें जोड़ दें तो इसमें लगभग 5,000 और जोड़ दें। मिहिर को बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। वो चुपचाप उस भूरे आंख वाले आदमी को देख रहा है। अब वो आदमी भी चुपचाप मिहिर की ओर देखने लगा। अचानक उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, 4 लाख। अब वो सभी मिहिर के बोली लगाने का इंतजार करने लगे। मिहिर वहां शांति से बैठा रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर जैसे ही उसने सभी की नजरों का सामना किया, वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। वहीं उस मिडिल एज्ड आदमी ने खुद को अचानक से हारा हुआ महसूस किया। वो पहले से ही बूढ़ा है। भले ही वो अपनी लाइफ में कामयाब रहा, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अनगिनत पैसे हैं, फिर भी वो जब जवान था तब भी उसके पास मिहिर जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा उस मिडिल एज्ड आदमी को लगा जैसे कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने अचानक अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने बगल में बैठी लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, 10 लाख रुपए। आलिया की तीखी नजर अचानक से ही मिहिर पर आकर रुक गई, जैसे वो उससे पूछ रही हो कि उसने बोली क्यों नहीं लगाई। मिहिर मुस्कुराया और बोला, 15 लाख। जब मिहिर ने कहा तो अचानक ही भीड़ में हड़कंप मच गया। सबकी नजर मिहिर पर ही टिकी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में कई सवाल हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके पास इतना पैसा होगा? उसके पीछे कुछ लोग इसी तरह से आपस में बातें करने लगे। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे मिहिर ने उन लोगों की बात नहीं सुनी। यहां तक कि मिहिर ने उस मिडिल एज्ड आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसे घूरने लगा। उस मिडिल एज्ड आदमी की आंख में एक तेज चमक आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, 20 लाख रुपए। इसी तरह सभी लोग एक के बाद एक बिडिंग करने लगे और आखिर में उस मिडिल एज्ड आदमी ने 40 लाख में वो प्राइवेट रूम 1 साल के लिए खरीद लिया। स्टेज में खड़ी लड़की मुस्कुरा रही है। 40 लाख, कुछ ऐसा है जिसे कई लोग जीवन भर काम करके भी नहीं कमा सकते। लेडी बॉस खुशी से हंसी। उसने भीड़ से उस मिडिल एज्ड आदमी को बधाई देने का आग्रह किया। फिर वो आलिया को देखकर मुस्कुराने लगी। आलिया कपूर अपनी जगह से उठी
और मिहिर की तरफ चली गई। तुम फिर से मेरे सामने क्यों हो? आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो? मिहिर एक पल को हैरान रह गया। तो तुमने मुझे पहचान लिया? आलिया ने मिहिर को कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम यहां क्यों हो, जब तुम अपनी फ्रेंड की हेल्प करने और बिडिंग में प्राइस बढ़ाने यहां आ सकती हो तो मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? मिहिर ने कहा, बात बस इतनी सी है कि हम दोनों सेम चीज ही कर रहे हैं। आलिया, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, क्या हम प्राइवेट रूम में चलें? एक प्यारी सी लड़की मिहिर के सामने आ गई और फिर आलिया को चिढ़ाते हुए उसने अपनी आंखें मिहिर की ओर करते हुए कहा, क्या आप वही हैं जिसका जिक्र आलिया ने थोड़ी देर पहले किया है? दीपिका अब चुप हो जाओ। आलिया ने अपने होठों को हल्के से काट लिया और कहा, चलो रूम में चलकर बात करते हैं। दीपिका ने हंसते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी ये बात करने के लिए एक सही जगह नहीं है। वो मिहिर की तरफ मुड़ी और बोली, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मिहिर ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है चलो चलते। एक पल को मिहिर रुका और उस वेटर को ढूंढने लगा, लेकिन वेटर का वहां कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि उसे पहले से पता है कि उस वेटर का काम अमीरों को अपनी बातों में फंसा कर प्राइस बढ़ाना है, लेकिन मिहिर के मन में उसके लिए अच्छा ओपिनियन बन गया है। इसका मतलब साफ है कि वो वेटर और आलिया कपूर दोनों ने फिलहाल के लिए उस रूम का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और ये दोनों लोग शायद अपनी लेडी बॉस दीपिका के लिए ये सब कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि उस बूढ़े आदमी की जलन ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? उसने बिडिंग जीतने की होड़ में कितनी बड़ी बेवकूफी की है और उस बेवकूफी के बाद भी उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसने यूं ही अपने 40 लाख फेंक दिए ताकि वो मिहिर को हरा सके और उसके बाद भी उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। फिर मिहिर चुपचाप दीपिका और आलिया के साथ ऊपर की ओर चला गया। उस जगह की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है और ये जगह भी बहुत शांत है। रूम में पहुंचते ही दोनों लड़कियों ने अपने अपने ब्लेजर को निकालकर सोफे पर रख दिया और जाकर आराम से बेड पर बैठ गई। उस साफ रोशनी में मिहिर ने अपने सामने बैठी उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा। वो दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं। मिहिर को सिर्फ एक चीज हैरान कर रही है कि आखिर आलिया इन सबके लिए मान कैसे गई। ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है। उसने आलिया के कंधे पर अपना हाथ डाला और बोली, आलिया ये लड़का तो काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है। आलिया ने उसे घूरते हुए कहा, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अंधों में काना राजा होता है। मिहिर ने उसकी बातों को नहीं नकारा और मुस्कुराते हुए दीपिका से कहा, वैसे कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारा यह तरीका बड़ा पसंद आया। एक सिंपल तरीके से आप दूसरों का दिल भी जीत गईं और उस बूढ़े आदमी से अच्छे खासे पैसे भी ले लिए। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। दीपिका ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसे किसने कहा था छोटी लड़कियों से झूठ बोलने और उसे चिपकने के लिए? मैं बस उसे एक अच्छा सबक सिखा रही हूं। मिहिर दीपिका की बात सुनकर हैरान रह गया। तुम कहना क्या चाहती हो? मिहिर ने सवाल किया। उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या है उस बूढ़े की सच्चाई? कैसे मान गई आलिया इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? आखिर आगे क्या करने वाला है मिहिर? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ रईस ज़ादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।